नमस्कार, मैं हूं रुपेश रंजन। आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। हमारे देश में लोग समान अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता की बात तो खूब जोर शोर से करते हैं। कहते हैं कि संविधान ने हम सबको समान अधिकार दिया है, हम लोग समानता के पक्षधर तो हैं, लेकिन धर्म और स्वतंत्रता के सवाल पर अपनी अपनी डफली बजाते हैं। जैसे कि शादी, तलाक या जमीन जायदाद के निपटारे का मामला हो, सभी धर्मों के अपने अलग अलग कानून हैं। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आखिर यह एक विवाद का मुद्दा क्यों है? आइए जानते हैं इसके बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद से पूरे देश में एक जैसे कानून सभी धर्मों के लिए मान्य होंगे। वर्तमान समय में हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। देश के सभी नागरिकों को शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे जैसे मामलों में भी एक जैसे कानून मान्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को कह चुकी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए, पर सरकार अभी इस पर विचार कर रही है। भारत में बहुत से जाति, धर्म, पंथ के मानने वाले लोग हैं। उनमें अपनी अपनी प्रथाओं को मानने के लिए कानून भी अपने हिसाब से हैं। हिंदू अपनी शादी विवाह के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को मानता है। इसी प्रकार से अगर उसे कोई बच्चा गोद लेना हो तो गोद प्रथा अधिनियम है। इसी प्रकार मुस्लिमों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है। 1937 से ही शरीयत कानून चला हुआ है। ईसाइयों के अपने नियम हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इन सब से अगर किसी के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो समान नागरिक संहिता ले आनी चाहिए। शाह बानो केस के माध्यम से ही पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठी थी। आइए जानते हैं आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है और इसके फायदे क्या हैं। जैसा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की और इजिप्ट जैसे देशों में यह कानून पहले से ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश की अदालतों का बोझ कम होगा। कोर्ट में लंबित पड़े मामलों का जल्दी निपटारा करने में आसानी होगी। एक जैसा कानून होने से देश में एकता को बल मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस परिस्थिति में यह कानून सभी धर्मों के लिए समान होगा। इसका किसी भी धर्म विशेष से कोई भी लेना देना नहीं होगा। इसका दूरगामी परिणाम हमारे देश की राजनीति पर भी पड़ेगा। जो लोग वोट बैंक और ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों के नकारात्मक राजनीति पर भी अंकुश लगेगा। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? इसके लिए आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार, मैं रुपेश रंजन।